बहस करने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक पे, अगेन अनदर हॉट टॉपिक, जो क्या है बर्गर और बन कबाब के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बुलाऊं बर्गर पसंद करने वाले लोग को, आए इधर। बर्गर आपको खिलाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना, पेट देख अपना। उसके बाद हम बुलाएंगे अपने दूसरे मेहमान को, जो क्या है एक बहुत ही बन कबाब आदमी, तशरीफ रखेगा। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, यहाँ पे मेरा शो चल रहा है। तो अब हम आपसे सवाल करें कि भाई क्या आप दोनों मतलब क्यों बर्गर, एक बंदा बर्गर को कर रहा है सपोर्ट और एक बंदा कबाब को, क्या ऐसे क्या खास बात? देखिए बर्गर के अंदर मसला सारा ये है, ये एक विलायती डिश है, एक अंग्रेजों की डिश है, इसका हमारे कल्चर से हमारी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो मैं बन कबाब की बात कर रहा हूँ। कभी आपने देखा जो बन कबाब बीज से कटता है, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, फिर वो उसके अंदर गंदे तेल में तलता है, उसके बाद उसी गंदे तेल में फिर अंडा तोड़ के तलता है, चटनी वटनी उसके ऊपर जो उसने प्याज का जो छिड़काव होता है, अनार कैसा लगता है उसके ऊपर, केचप का जो उसके ऊपर छिड़काव होता है, उसके ऊपर जो फिर वो बंद करता है, उसके ऊपर फिर दो से तीन टुकड़े करता है। बस यार बस 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 मुझे पानी आ रहा है मुंह में। आप बताए सर बर्गर के बारे में कुछ। बचपन में मैं बहुत पतला होता था। अच्छा, लोग मुझे सिंगल पसली बुलाते थे। ये पॉसिबल है? मेरी जिंदगी में बर्गर आया। सिंगल पसली मोटी होगी। अच्छा, फिर मेरी जिंदगी में बर्गर आया। बर्गर आया, मैं सिंगल बर्गर, सही है, बीफ बर्गर, चिकन बर्गर और जितने भी जलेबीनो वगैरह, जितने भी उसके एग्जाम सब मैंने खाया और आज बड़ा मजा आया और आज मैं हेल्दी हूँ। ये हेल्थ नहीं मेरे भाई, ये कुछ और लग रहा है मुझे। आप मुझे ये बताए क्या बन कबाब इतने फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं जितना बर्गर है आज? बहुत होते हैं वैसे, आप बताएं। देखिए बन कबाब होता है अंडे वाला, और बन कबाब होता है आलू का, बन कबाब होता है आपका चपली कबाब का, बन कबाब होता है आपका चपली वाले के अंदर भी अंडे वाला आता है। हाँ, चपली वाले के अंदर भी अंडा, वो बेहतरीन होता है नो डाउट। और एक सादा अंडा, एक सादा अंडा, फुल सादा अंडा, आप देखिए उसको अगर आप बर्गर को रखे उसके, वो बीच से काटता फिर दो टुकड़े करता है, फिर वो गंदे तेल में उसको जिस तरह वो तल के फिर उसको निकाल के उसके ऊपर चटनी तल के फिर उसके ऊपर वो काट के। बस 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 डिटेल में नहीं जाए, डिटेल में नहीं जाए। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा कोई सीन होता है बर्गर के अंदर? आपने लिए दो बंद और उसको काटा, दो बंद लिए उसको काटा, ठीक है, उसके अंदर आपने डाला मायोनीज, मायोनीज उसके अंदर आपने रखा, फिर चिकन का बड़ा फ्रेश पीस, ओह सही है, ओह डीप फ्राइड, ओह क्रिस्पी, ओह ठीक है, हलके दो बर्गर बनवा दे, ठीक है। उसके ऊपर आपने फिर डाला कुछ मायो गार्लिक सॉस, बहुत हैवी है, हैवी नहीं है घर पर टाइटर, लेकिन नहीं देखिए बहुत नहीं, 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 नहीं हल्का है, आप उसको बंद कर देंगे ना, टाइम कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर आप देंगे फ्राइज के साथ सर्व करेंगे। तुम्हारा वाले जो बर्गर है मुझे दो मंगाए खाने पड़ गए, यहाँ इसमें काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ बर्गर आ रहे हैं आजकल देखते थे। अच्छा, वो अगर आप दो मंगाएंगे तो आपको पड़ेगा एक बर्गर 30 रुपए का, आपका पेट भर गया, मेरी औकात नहीं है, ये औकात से बाहर बाहर औकात से बाहर बाहर, ये हमारे कल्चर का ऐसा नहीं है, ये निकले हैं हमारे मुल्क से, खाते खाते जो प्याज गिरती है ना, क्या मजा आता है उसका, मजा आता है जी भाई। इन्होंने कितनी प्राइस बताई आपको? 60 रुपए दो, 60 रुपए, 60 रुपए दो, 60 रुपए दो, 60 रुपए दो। हाँ, उसके बाद जो आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो आपका पेट खराब हो जाता है। नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने बहुत नहीं, लेकिन कुछ लोगों को सूट करता है लेकिन ज्यादातर को नहीं करता। मसला पता है क्या है, जो वो बर्गर के दो टुकड़े करता है और जब उसको तेल में कर रहा होता है, मतलब जब तेल पे घुमा रहा होता है, समझ गया मैं, चिपका रहा होता है, गंदे नाखून, वो नहीं लगाते ना, बाकी तो लगाते हैं, बाकी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। आप मेरी बात जी,
आपने देखा वो बनकाव को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उन बेचारों की हालत देखे, बिल्कुल सही बात है, तो हृदय फंस लिए। तो आपको चाहिए आप भी हफ्ते में एक दो दफा बर्गर खा के, सही बात है, मैं इनके साथ हूँ भाई। देखिए जानवर मोटा होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर से गोश्त कितना निकलेगा, असल बात ये होती है, क्या पता उसके अंदर से चर्बी ज्यादा हो, ये बात है, ये चर्बी ये जानवर की बात कहां से आ गई, ये इंसानों में जानवर को, ये गलत गलत गंदी गंदी बातें करते हो ना, तो ये मैं तुम लोगों के लिए शो में बुलाता हूँ, ये मजबूर है, आप कल्चरल बंदे पे हाथ उठा रहे हो, नॉन कल्चरल बंदे को छोड़ो, कल्चरल की बात नहीं, आपको बहस करनी तमीज से मुझे बात आता है, ये तो एक बात बता दूं मैं आपको, लंबी ना करें, मुझे भी शो खत्म करना, मुझे जाना, बस एक आखिरी भूख बहुत, एक आखिरी बात, अच्छा बोले आप ये देख लें, हाँ बोले बर्गर ये बात कर रहे हैं खाने तक की, आजकल तो आवाम भी बर्गर, ये तो इन्होंने मुद्दा मार दिया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप आखिरी बार व्यूअर्स को बता दी क्या कर रहे तमीज से भाई, क्या उसको तरीका है कोई, चले चले नाजरीन, मैं चलता हूँ आपके साथ, फिर मिलेंगे अगली बार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।